माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ में आपका संरक्षण भी चाहता हूं और आपसे इस बात का भी संरक्षण मिलेगा 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में करना। माननीय सभापति महोदय, हम पहली बार सदन में चुन के आए हैं और हम अपनी बात भी कभी कभी रखने का मौका मिलता है और आप हमको समय का बंधन बना देंगे। अरे जो आसन दिया आदेश आदरणीय बोलिए बोलिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि बात पूरी करने का मौका दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में अपनी बात रखना चाह रहा हूं। बिंदु क्रमांक 7 में महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मेरी सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित है। माननीय सभापति महोदय, और मैं सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल्य प्रदेश है, जहां पर 2.25 करोड़ के लगभग आदिवासी समुदाय निवास करता है। आज यह वर्ग भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, पलायन, विस्थापन जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है। इस वर्ग के कल्याण, उन्नति और विकास के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची का जिक्र किया गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 5वीं अनुसूची का जिक्र ही नहीं किया है। 5वीं अनुसूची के भाग कर के पेरा 3 में यह कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल महोदय प्रतिवर्ष या महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब चाहे तब प्रतिवर्ष दिन भेजकर आदिवासी क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन इस सदन को बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों के आंदोलन, उनकी संस्कृति, उनकी विकास के बारे में रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल महोदय तक नहीं पहुंचाई जा रही। 5वीं अनुसूची के भाग के 4(1) में कहा गया है टीएसी का गठन होना चाहिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 सदस्य होना चाहिए और 20 के 20 सदस्य आदिवासी होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में जो एक नई परंपरा, नई परिपाटी शुरू हुई है, नई सरकार बनी है, बिना विधानसभा भंग किए नई टीएससी का गठन कर दिया गया है, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। 5वीं अनुसूची के भाग ख के 5(1) में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी अधिनियम, कोई भी विनियम, कोई भी कानून जो संसद या राज्य के विधानमंडल में बनाए जाते हैं बिना राज्यपाल के नोटिफिकेशन के अधिसूचित एरियों के लिए इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे सदन को बताते हुए अफसोस है कि आज अधिसूचित क्षेत्रों को ही सामान्य क्षेत्रों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आज आदिवासियों को संविधान में जो पहचान मिली है उनकी विशेष संस्कृति के आधार पर मिली है, उनके भौगोलिक अलगाव के आधार पर मिली है, उनके विशेष नेचर के आधार पर मिली है, उनके पिछड़ेपन के आधार पर मिली है। लेकिन बिना टीएससी के परामर्श के, बिना टीएससी से चर्चा किए वो कानून अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के ऊपर थोप दिए जा रहे हैं। 1996 में भूरिया कमेटी के अनुशंसा पर ऐसा कानून बनाया गया, लेकिन आज भी 1996 में कानून बने के बाद आज 2021 तक ग्राम सभाओं का किस तरह अनदेखी की जा रही है ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। आज आए दिन पुलिस अधिकारी आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी गांव में जाते,
भोले वाले आदिवासियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, आए दिन आबकारी विभाग के अधिकारी जाते हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करते हैं, और दुख की बात यह है कि आए दिन आदिवासी इलाकों में कई ऐसे गैर आदिवासी संगठन काम कर रहे हैं जो आदिवासियों के सामाजिक ताने बाने के साथ उनकी संस्कृति के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज आदिवासी समाज पढ़ लिख गया है, अपने अधिकारों की बात करने लगा है, अपने पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची की बात करने लगे लगा है। तो आज प्रदेश सरकार के कई मंत्री उनको नक्सलवाद के चश्मे से देखते हैं, कितना उचित है माननीय सभापति महोदय। आज आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है, और लेकिन लेंगे पांच मिनट और दो मिनट में कर दीजिए। आज आदिवासी क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन जो जिला डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल से जो सलाह लेनी चाहिए, जो पैसा कानून के अनुसार जो योजनाएं बननी चाहिए, उनका खुला खुला उल्लंघन हो रहा है। आज हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस के काल में सिर्फ 56-50 साल में 6 मेडिकल कॉलेज थे। निश्चित ही मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में नए मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, और खुशी की बात है कि नए 16 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, लेकिन कई मेडिकल कॉलेजों के बीच की दूरी सिर्फ 50-50 किलोमीटर के का अंतर है। हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र धार झाबा बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल्य जो शेड्यूल एरिया है, आज मेडिकल कॉलेजों से 200 किलोमीटर की दूरी में है, लेकिन प्रदेश के इन इलाकों में मेडिकल कॉलेज की एक भी व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है कि आज आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा कुपोषण, सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर, सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर। प्रदेश सरकार को आदिवासी क्षेत्रों की ओर गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐसे नियम और ऐसी नीतियां बनाना चाहिए ताकि वहां के आदिवासियों का विकास हो, उनका पलायन रुके, आदिवासी क्षेत्रों में भूखमरी खत्म हो। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभी अपने अभिभाषण में कहा है कि प्रदेश में 2021 और 22 में 2000 किलोमीटर गांव में बनेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि आदिवासी इलाकों का जो भौगोलिक संरचनाएं हैं, जो गांव टू गांव तक जाने के रोड हैं, आज भी नहीं बने हैं। तो क्यों ना प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम संशोधन करके आदिवासी इलाकों में मोहल्ले टू मोहल्ले जोड़ने के लिए भी हम लोग उनका प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से निर्माण करें। चलिए माननीय सभापति महोदय, आखिरी में एक बात और रखना चाह रहा हूं। आज मध्य प्रदेश में कोविड के कारण कई मौतें हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड जो सेंटरों का निर्माण किया है, कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं, हमारे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा मेडिकल कॉलेज है, चाहे भोपाल हो, मेडिकल कॉलेज रीवा हो, गदर राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर हो, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड सेंटर बनाना कितना उचित है। प्रदेश की जनता का विश्वास प्रदेश की सरकारी संस्थाओं पर ज्यादा होता है। मैं यही चाहता हूं कि शासकीय मेडिकल कॉलेजों में उनके अधीन कोविड सेंटरों का निर्माण किया जाए। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए एक मजदूर, आदिवासी मजदूर दीपक मरावी के ऊपर उसका इंजेक्शन लगाया गया, उसका वैक्सीन लगाया गया, उसकी मौत हुई। जांच हुई तो कहा गया कि ओमे प्रजल के हाइड्रोक से उसकी मौत हुई। एक जांच का विषय है, गंभीर विषय है कि कोई भी ओमे प्रजल सिर्फ एक एंटी एसिड ड्रग है, पर कभी भी इसके हाइड्रोक से कभी भी किसी की मौत नहीं हो सकती है। धन्यवाद, धन्यवाद। आखिर में एक बात और मैं रखना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। आदिवासी युवा पलायन करके धार झाबा बड़वानी खरगोन जा रहे हैं, यहां से जाके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि आदिवासी इलाकों में पलायन को रोकने के लिए
स्थानीय स्तर पर ऐसी नीति बनाई जाए कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। धन्यवाद अलावा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष।